हाय व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल माइनस स्टाइल कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज मैंने स्किन इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए, वैसे भी एंटी एजिंग के लिए, एक फेस मास्क बना के दिखा दी हूँ। इस फेस मास्क के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चावल। चावल को अच्छी तरह से उबालना है। इस चावल को एक ब्लेंडर में डालना चाहिए। आपको इतना चाहिए उतना ले सकते। ये मास्क फेस के लिए, वैसे भी बॉडी के लिए भी यूज़ कर सकते। इस चावल को ब्लेंडर में डाल दीजिए। इसमें 3 चम्मच दही ऐड कीजिए। ये दोनों चीजों की अच्छी तरह से ब्लेंड करके स्मूथ और सॉफ्ट पेस्ट बना लेना है। मैंने दही और चावल को अच्छी तरह से ब्लेंड किया। इस पेस्ट को एक बाउल में लेना चाहिए। फ्रेंड्स, ये है हमारी एंटी एजनिंग फेस मास्क। इस मास्क को फेस पर अप्लाई करना चाहिए। मैं मेरे हाथ के ऊपर अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। इस मिक्सचर को ब्रश की सहायता से ऐसे लेना है। लेने के बाद फेस पर अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, इस मास्क को अप्लाई करने से आपकी स्किन पर जो हुआ टैन रिमूव होती है, वैसे भी स्किन इलास्टिसिटी भी बढ़ती है। इस मास्क को आप अपवर्ड डायरेक्शंस में अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने मिलाया चावल। चावल में मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स रहती है। ये सब स्किन इलास्टिसिटी को बढ़ती है। वैसे भी फेस पर जो हुआ फाइन लाइंस, डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स, कुछ भी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करती है। चावल स्किन इलास्टिसिटी को बढ़ती है। वैसे भी इसमें जो हुआ विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स स्किन ग्लोइंग करने के लिए, रेडिएंट करने के लिए बहुत ही मदद करती है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने मिलाया और एक चीज़, दही। दही में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रहती है। ये दोनों स्किन पर जो हुआ इन्फेक्शंस को दूर करती है। वैसे भी स्किन को स्मूथ सॉफ्ट करने में बहुत ही मदद करती है। ऐसा ये मास्क को अप्लाई करना है। इस मास्क को अप्लाई करने के बाद हमें स्क्रब नहीं करना है। ऐसा अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद ऐसा 20 मिनट तक रहने दीजिए। 20 मिनट होने के बाद लुकी वॉर्म वाटर से धो लीजिए। फ्रेंड्स, मैंने अच्छी तरह से धो लिया। आप देख रहे हैं ना, मेरे हाथ पर जो हुआ टैन रिमूव हो गए। वैसे भी मेरे हाथ बहुत ही स्मूथ सॉफ्ट बन गए। इस फेस मास्क को आप वीकली 2 से 3 बार यूज़ करें तो आपकी स्किन पर जो हुआ टैन रिमूव होती है, अंदर से रेडिएंट हाइड्रेटेड भी होती है। वैसे भी एंटी एजिंग क्रीम जैसे काम करती है। इसकी वजह से स्किन इलास्टिसिटी बढ़ती है। फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके चेहरे पर जो हुआ फाइन लाइंस ईजिली रिमूव होती है। क्योंकि मैंने इसको नेचुरल प्रोडक्ट से बनाया, इसमें कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये 100% बहुत ही इफेक्टिव है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपकी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।